इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों की शिकायत है लगातार बढ़ रही है, जहां मंगलवार दोपहर को दशहरा मैदान के सब्जी व्यापारी रीगल चौराहा स्थित डीआईजी कार्यालय पहुंचे और नगर निगम कर्मियों के खिलाफ शिकायत करने की बात कही। अन्नपूर्णा रोड मैदान के सामने सब्जियों के ठेले लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोग दोपहर करीब 12 बजे के आसपास डीआईजी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को बताया कि वह रेडी ठेले पर सब्जी बेचने वाले लोग हैं, जहां निगम कर्मियों द्वारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व विभिन्न तरह के हवाले से उन्हें दुकान नहीं लगाने को लेकर धमकाया जा रहा है और अन्य तरह से परेशान किया जा रहा है। लोगों के मुताबिक यह पुलिस के आला अधिकारी को शिकायत करने के साथ ही इंदौर नगर निगम व कलेक्टर कार्यालय पर भी निगम कर्मियों के खिलाफ शिकायत करेंगे। पीड़ित सब्जी व्यापारियों की माने ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई योजना के तहत उन्होंने 10-10 हजार का लोन लेकर सब्जी बेचने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब नगर निगम वाले विभिन्न तरह से उन्हें दुकान नहीं लगाने की बात कहते हुए परेशान कर रहे हैं। क्यों आए आप यहाँ पर आज? हमको सिर्फ दुकानें हमारी दशहरा मैदान से ही हटाई जा रही है। अन्नपूर्णा बिल्कुल बकायदा लग रही है, मंडी चौराहा बकायदा लग रही है, कलेक्टर पे भी बिल्कुल बकायदा लग रही है, जबकि हम लोग बिल्कुल डिवाइडर के अंदर व्यवस्थित दुकान लगा रहे हैं ताकि ट्रैफिक ना हो। हमारे पास पूरी व्यवस्था के साथ दुकानें लगाई जा रही है, फिर भी हमारे दशहरा मैदान से दुकानें बिल्कुल हटाई जा रही है। कलेक्टर चौराहा सब दूर दुकान लग रही है, सिर्फ हमको ही हटाया क्यों जा रहा है? किस तरह से परेशान करते हैं निगम कर्मी? कुछ नगर निगम वाले आके बोलते हैं यहाँ से दुकानें हटाइए, नहीं तो नगर निगम द्वारा आपके साथ कानूनी कार्रवाई, सख्ती कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और या तो फिर सौदा उठाए। नगर निगम का जोर नहीं चलता है तो पुलिस वाले को बुलाते हैं। अब आप क्या करेंगे आगे? अब हम जो बोले वो करे, पर कमिश्नर चाहते हैं कि हम लोग वो डिवाइडर के अंदर व्यवस्थित दुकान लगा रहे हैं, फिर उसमें ही लगाने दे। अभी आप क्या ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पर? जी। आपका नाम? पूजा वेंकट।